हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज़ 10th of January। आज का खास बात ये है कि एक महीना पूरा हो चुका है कार को, तो पहला सर्विसिंग है वो करवाने जा रहे हैं। और पहली सर्विस में ऐसा कुछ खास होगा नहीं, वो बस जनरल चेकअप होता है। तो जो टारगेट होता है 1000 किलोमीटर का या फिर 1 month। तो 1 month हो चुका है, हालांकि किलोमीटर्स 554 किलोमीटर्स ही मैंने कवर करे हैं। तो 554 किलोमीटर में जो माइलेज मुझे मिली अभी तक प्योर सिटी ड्राइव में, जो वो है दिख रहा होगा आपको डिस्प्ले में, 13 का। एंड ये MID का है, टैंक टू टैंक टेस्ट नहीं किया है मैंने, बस MID में जो सिटी ट्रैफिक में होती है, बम्पर टू बम्पर। भाई बैंगलोर है, बैंगलोर का ट्रैफिक पता ही होगा जो लोग बैंगलोर में रहते हैं, नहीं तो मैं बता दूँ रेफरेंस के लिए कि मुंबई के जैसी ही ट्रैफिक होती है। एक जगह पे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तक रुक जाते हैं हम लोग, और गाड़ी 30 के ऊपर तो जा ही नहीं पाती है, मतलब 10, 5, 15, 20, 30 ऐसे ही रहती है गाड़ी। तो बिमल शोरूम जो कि व्हाइटफील्ड में है बैंगलोर की, वहाँ जा रहे हैं, वहीं से गाड़ी हमने परचेस करा था। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सर्विसिंग में क्या क्या चीज़ें हुई और कितना कॉस्ट लगा। हालांकि उतना कुछ होगा नहीं, पर फिर भी जो भी होगा वो बताऊंगा और जो कॉस्ट है वो भी बताऊंगा। तो सीधा मिलते हैं सर्विस के बाद। तो जी पहुंच गए हैं सर्विस सेंटर। अभी ना सबसे पहले अपने बिलोंगिंग्स को निकाल लेते हैं, जो जो चीज़ें इसमें लगा रखी है, स्पेशली डैश कैम वगैरह, क्योंकि बहुत सारी डैमेज हो जाता है। तो गाड़ी को देता है भैया से, पहले इनवॉइस बनवा लेते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सर्विस चेकलिस्ट। उसके बाद फिर मिलते हैं भैया के साथ सर्विसिंग के बाद। भाई साहब क्या भीड़ है, देख रहे हो डिलीवरी हो रही है, तो हर 5 मिनट या 10 मिनट में ना एक गाड़ी की डिलीवरी हो रही है यहाँ पे। और अभी बात हुआ सर्विस वाले भैया से, तो उन्होंने बोला एंट्रेस्ट कोटिंग का कुछ ऑफर चल रहा है, तो वो करवा ले रहा हूँ। इसका कॉस्ट ऐसे तो 5000 है, बट यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ डिस्काउंट दे देंगे। कितना देंगे डिस्काउंट, क्या ओवर और प्राइसेस है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो अभी मिलते हैं सर्विस के बाद। तो जी वो रही अपनी गाड़ी, बहुत ही लंबी लाइन है यार, सुबह 10 बजे आया फिर भी, और ये सी आज इस गाड़ी की सर्विसिंग हो चुकी है पूरी। और अभी बज रहे हैं 5, 4 बजे हम शोरूम पहुंच गए थे, उन्होंने 4 बजे का प्रॉमिस किया था, 4 बजे ही दिया। अब मैं दिखाता हूँ गाड़ी मंगवा के, वैसे बाहर से कुछ क्लीनिंग पॉलिशिंग वगैरह सब कुछ किए हैं उन लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा जो इंटीरियर है, इंटीरियर का भी क्लीनिंग किया है एंड पॉलिशिंग किया है, अभी इतना दिखेगा नहीं, बट हाँ अब देख सकते हो बहुत सही तरीके से पूरा डस्टिंग को क्लीन किया हुआ है, बहुत अच्छे तरह से क्लीन किया है उन्होंने। सामने भी पूरा डस्टिंग को क्लीन करके, पॉलिश वॉलिश करके पूरा चमका दिया गाड़ी को, ओके। और इसके अलावा और भी कुछ हुआ जो अभी मैं आपको बताता हूँ, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ। तो सर्विसिंग हो गया, 4 बजे का टाइमिंग दिया था, तो 4 बजे से पहले ही हो गया ये। और गाड़ी में जो आज खर्चा आया वो बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये फर्स्ट सर्विसिंग थी, तो फर्स्ट सर्विसिंग में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, और मतलब कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखनी भी नहीं चाहिए। बस क्लीनिंग वगैरह करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि फ्लूड वगैरह क्या है, टॉप अप कुछ करना हो तो कर देते हैं, जो अगर चली है 1000 किलोमीटर। तो वैसे तो मेरी गाड़ी से 554 चली थी, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पता नहीं थोड़ा बहुत कुछ देखा। और इसके अलावा क्लीनिंग धोना वगैरह इन सब के अलावा ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आज करा है वो है अंडर बॉडी कोटिंग।
ठीक है, वो रस्ट कोट होता है, तो इसके लिए ये पहले से मुझे बोला गया था, मतलब कि मुझे पता था ये होने वाला, क्योंकि मेरी जो लास्ट कार थी उसमें भी ये बोला गया था, तो वो वाला मैंने करवा लिया आज, क्योंकि ये मुझे कराना ही था। अब मैंने क्यों करवाया, ऐसे तो मेरा प्लान नहीं था अभी करने का, मतलब कि बजट के हिसाब से मैं सोचा था बाद में करूँगा, बट क्योंकि कार न्यू है और उन्होंने मुझे बोला कि कर लो, फिर मैंने बोला कि हाँ इसकी प्राइसिंग मुझे पता है, ये 4 से 5 हज़ार के बीच में ही आती है। देन अगेन भैया ने बोला कि ऑफर चल रहा है, और ऑफर ये चल रहा था कि जो आपका अभी मतलब इस टाइम पे जो जैसे सर्विसिंग पे मैं आया हूँ, तो जो भी सर्विसिंग के टाइम पे करवाते हैं ना, अलग से कराएंगे तो प्राइस वही रहेगा, अगर सर्विसिंग के साथ आप करवा रहे हो ना, तो वो मुझे 1850 में उन्होंने करके दिया। तो अगर ये वेरी वेरी करता है शोरूम टू शोरूम, उनका क्या मतलब कि सीन है, क्या उनका फैसिलिटी दे रहे हैं, क्या मतलब ऑफर्स रहता है उसके हिसाब से, तो इन्होंने इनके यहाँ पर ये अभी चल रहा था कि आपका इंटरेस्ट कोटिंग जो है वो 1850 में वो करके दे रहे हैं विथ सर्विसिंग, अगर आप सर्विसिंग करवा रहे हो तो। एंड बाकी का जो जो धोना वोना शैम्पू उनका कॉस्ट था वो शायद 150 रुपये लगाया है, तो ओवरऑल मुझे पड़ी है 2003 रुपीज़। ठीक है, तो 2003 रुपये पड़ी है, और मैं कहाँ दिखाऊँ, हाँ यहाँ पे 2003 रुपये यही पड़ी, और इंटरेस्ट कोटिंग की 1850 रुपये डाले हैं उन लोगों ने। और इसका फ़ायदा ये रहता है कि जैसे कि बैंगलोर में बारिश बहुत होती है, तो गड्ढे होते हैं, बारिश होगी तो गड्ढे होंगे, कितने भी अच्छा आपका रोड हो गड्ढे हो ही जाएंगे जल्दी, तो उसमें जो पानी लगता है उसमें रस्ट होता है, उसको बचाने के लिए मतलब हेल्प होती है। अब ये जो बिल है, ये मुझे तो लगा था कि अगर मैं कोटिंग करवाऊंगा तो मुझे शायद 5 हज़ार लगेगा, प्लस 100-150 रुपया, मुझे लगा था 500 रुपये लेंगे मिनिमम, एंड 5 हज़ार का कोटिंग लगेगा, क्योंकि कोटिंग 5 हज़ार मैंने लास्ट वाली गाड़ी की पे की थी इसलिए मुझे पता था, पर अभी 1850 उसका और 150 रुपये जो चार्ज है क्लीनिंग का उतना, तो कुल मिला के 2000 रुपये का ये हुआ है बिल आज का, फर्स्ट कोटिंग मतलब सॉरी फर्स्ट सर्विस का। और आई एम सेटिस्फाइड, जो क्लीनिंग है बहुत अच्छे तरह से क्लीन किए हैं, मतलब कि इंटीरियर का क्लीनिंग बहुत अच्छा है, बाहर का तो होता ही है, बाहर का मुझे कुछ बोलना भी नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने मुझे और एक चीज़ बोला है कि कुछ एक होल्स स्पेस होते हैं जहाँ पर रैट्स जाने का चांसेस होता है, उस पर एक मेटल प्लेट लगाने के लिए, जो मैं नेक्स्ट लगाने वाला हूँ, और उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी लाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आप जाते हैं अपने शोरूम सर्विस फर्स्ट सर्विस के लिए तो ज़्यादा कुछ होता नहीं, क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग के साथ ही ना वो आपको पूछते हैं कि इंटरेस्ट कोटिंग का, तो उसका थोड़ा सा आप पूछिए कि ऑफर वगैरह है कि नहीं, और है तो अगर कम दाम में तो करवा लेना, क्योंकि ये थोड़ा ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में इतने ही, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।